Academy. We are discussing now gravitation for class 11th and for IIT JEE. Those who are preparing for IIT JEE, they will get the lectures, some parts which have been already completed, few parts is to be completed, and thereafter we will discuss the questions exclusively for IIT JEE and other. So primarily lectures are based on development of concept, and so it will be beneficiary for all those who are preparing for class 11th itself, and for those also those who are preparing for class 11th, and apart from also looking for entrance examination for IIT JEE and other entrance examinations as well. So अभी ग्रेविटेशन का दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. दिस इज द पार्ट 3 और आपका अरुण सिंह एकेडमी में स्वागत है. लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारी अरुण सिंह एकेडमी चैनल है जो यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसमें लगभग हम 1600 लेक्चर्स प्लान कर रहे हैं कि जो आपको अपलोड करेंगे बहुत आने वाले दिनों में, बहुत कम समय में ही अपलोड कर देंगे. और आप इससे पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आईआईटी जेईई का, 11th क्लास का, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. तो आई होप यू आर गेटिंग वेल एंड यू आर डूइंग वंडरफुल इन योर स्कूल्स एज वेल एज योर होम एज वेल. सो आज थर्ड बात करते हैं, थर्ड पार्ट की. इसमें हमने पिछले दो क्लासेज में बात ये करी थी कि ग्रेविटेशन है क्या और जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैवेनिस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात किया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी बात किया था, और फिर एसेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी कैसे प्ले रोल करता है वो भी हमने बताया था. ये सारी बातें आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस लेक्चर सबको देखें, उसके बाद ही अगली पार्ट देखें. अनलेस आप पहली और दूसरी पार्ट ना देखें तो तीसरी पार्ट देखें नहीं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है. So please refer the first part and second part before watching part third. और आज हम बात करते हैं कि G की value, जैसा कि हमने सीखा है, G जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो G की value कम होगी. ये अभी तक सुनते आए हैं, लेकिन कम क्यों होगी ये रीजन अभी तक पता नहीं है. और कम होगी भी तो कैसे कम होगी ये देखते हैं. क्यों कम होगी, कितना कम होगी, ये सब भी सीखते हैं आज कि G की value, यानी acceleration due to gravity की value, सरफेस से ऊपर जाने पर कैसे वैरी करेगा. तो हमारा टॉपिक आज का है वेरिएशन ऑफ जी विद इंक्रीज ऑफ हाइट. सो फर्स्ट लेट कंसीडर, अभी हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आपका और इस पे हम बात करने वाले हैं. यहां पे ये हमारा अर्थ है, अर्थ इसकी रेडियस है आर, और ये एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, हाइट है h. तो हाइट h है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m. m मास का एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, और अर्थ का रेडियस कितना है r. यहाँ पर h हाइट पर g की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. आज ये सीखना है कि यहाँ पर g की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि g कितना होता है, acceleration due to gravity g होता है gm upon r square. पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लेते हैं. लेट ए बॉडी ऑफ मास m, मास m इज प्लेस्ड एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस. सो वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज जी, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये हमने सीखा है. फिर आर इज कैपिटल आर क्या है, क्या है कैपिटल आर बच्चों, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर है रेडियस ऑफ अर्थ. और क्या है अर्थ, और एम क्या है, एम इज मास ऑफ अर्थ, और जी क्या है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट.
ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है याद है आपको, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 to the power minus 11. पिछले क्लास में हमने डिराइव किया था, पहली क्लास में एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11. याद है ना आपको? बिल्कुल सही. आज हम ये अब कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट P है जो अर्थ के सरफेस A से h हाइट पर है और यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी. तो हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू ये, जब यहाँ पे इतनी दूरी पे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r plus h, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जब दो बॉडी एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है f is equal to g m1 m2 upon r square. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं इसको, आपको बताया था हमने, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बिटवीन अर्थ, चाहे अर्थ एक्जर्ट फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी एट P is F is equal to कितना होगा, तो M mass of the earth M into G upon R plus H का whole square, ये होगा. और आप इस फोर्स को या यहां पे G की वैल्यू जैसे यहां पे हमने निकाला है वैसे यहां पे निकाल सकते हैं, फोर्स कितना होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू यहां पे क्या होता है वेट के बराबर. अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, मैंने ये बॉडी यहाँ पे रखी है तो ये पकड़ के रखने में मुझे थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ रही है. कितना फोर्स लगानी पड़ रही है, जिस फोर्स से ये अर्थ की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, और अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है कोई भी बॉडी, जितना उसका वेट होता है. तो ए बॉडी इज अट्रैक्टेड, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स इनडीड बाय व्हिच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो हमको इसे होल्ड करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसकी वेट है. अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी ऊपर चला जाएगा, अगर अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगा दिया या मैंने कम लगाया तो जेनरेटिंग फोर्स नीचे की ओर होगा, बॉडी नीचे की ओर चली जाएगी. तो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका वेट है. तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा होगा पी पर वो इसके वेट के बराबर होगा, और वेट क्या होता है एम जी. वहां पे g की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है तो हम लिख देते हैं g डैश, तो ये हो जाएगा g m m upon r plus h का होल स्क्वायर. इक्वेशन यहां पे लिख दूंगा, m से m कट गया, यानी आ गया g डैश इज इक्वल टू g m upon r plus h का होल स्क्वायर. ये एक इक्वेशन आ गया सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. अब कंपेयर करते हैं, नाउ second by first is equal to second g dash by g is equal to, तो g dash क्या है हमारा, देखिए g dash है g m upon r plus h का whole square, और g कितना है g m upon r square, g m से g m cancel हो गया और बच जाएगा कितना, ये r plus h का whole square, सिर्फ ये आ जाएगा ऊपर में r square और नीचे r plus h का whole square. अगर ऊपर r स्क्वायर है नीचे भी r कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 plus h by r हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और ये फाइनली हो जाएगा ऊपर में r स्क्वायर नीचे में r स्क्वायर 1 plus h by r का होल स्क्वायर. इस r स्क्वायर से इस सारे स्क्वायर को काट देने में कोई परेशानी नहीं है. ये पावर 2 नीचे में है डिनोमिनेटर में, ऊपर में ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस 2, यानी ये हो जाएगा h by r का पावर माइनस 2. g dash by g is equal to this, यानी g dash is equal to g into 1 plus h by r का पावर कितना माइनस 2, ये हुआ g into 1 plus r by h का पावर माइनस 2. इसको एक इक्वेशन 3 लिख देता हूं, और पहले आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन बताते हैं. ध्यान रहे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको आसानी से ये वाले फॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो कि g डैश इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म,
यहाँ से हमने g dash upon g is equal to r square upon r plus h का whole square. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे authenticated form है. बाद वाले जो form होंगे वो थोड़ा सा manipulated होंगे. कैसे manipulated होंगे अभी हम बताते हैं. एक binomial theorem आपने पढ़ा होगा 11th class में. इस समय तक तो binomial theorem complete हो गई होगी हर एक class में और आप पढ़ चुके होंगे. binomial theorem में extension आता है x plus y का power n. उसका जो simplest form है वो है ऐसा x plus 1 plus x का power n. इसको अगर expand करें तो ये होता है 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube like this. ये होता है binomial expansion. ठीक है, ये हमने लिख दिया binomial expansion होता है. इसको थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ ऐसे. ठीक है, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है h by r है ना. x के जगह पर है h by r और n के जगह पर क्या है minus 2. तो h by r और x के n के जगह पे minus 2 अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ क्या होगा ध्यान से देखिए g dash. लेकिन इसी में इसी binomial theorem में अगर x बहुत छोटा हो तो इसको हम 1 plus nx लिख सकते हैं. Equivalent to 1 plus nx when x is very small then x square and higher power is neglected. x अगर छोटा हो तो x square and higher power are neglected. Powers are neglected. Neglected, ठीक है, ऐसा neglect कर देते हैं. क्यों? जैसे x बहुत छोटा है, मान लो एक छोटा 10 है, square करोगे तो क्या हो जाएगा? एक छोटा 100 और छोटा. cube करेंगे तो एक छोटा 1000 और भी छोटा. तो इस तरह से और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा. इतना छोटा होगा कि उसको हम negligible कर सकते हैं. यहाँ पर छोटे वाली क्या बात है? Height आपने earth से certain height पे ली है. h अगर बहुत छोटा है, h is much lesser than r, then h by r is much lesser than 1 and therefore h by r is square is very small और इसे हम neglect कर सकते हैं और higher power भी छोटा होता जाएगा. इसलिए यहाँ पे g dash को लिख सकते हैं g into 1 plus nx, n के जगह पे minus 2 और इस x के जगह पे h by r. तो ये हो गया g dash equal to g into 1 minus 2h by r. ये फॉर्मूला हो गया g dash equal to g into 1 minus 2h by r. ये एक फॉर्मूला हो गया जिस फॉर्मूला के आधार पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ध्यान से देखें, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो g minus something, ये something पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा ना. कि r रेडियस ऑफ अर्थ नेगेटिव तो होने का सवाल ही पता नहीं होता. अर्थ से सर्टेन हाइट ले रहा है तो वो भी नेगेटिव होने का सवाल नहीं होता. तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा. 1 में से कुछ पॉजिटिव घटाएंगे तो कुछ नंबर बचेगा जो 1 से कम होगा. 1 से कम से मल्टीप्लाई करने से g डैश की वैल्यू g के मुकाबले कम हो जाएगी. और खास बात ये है कि जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी, बड़ी संख्या अगर हम घटाते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा और इसके छोटा होने से ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी. यानी अर्थ का रेडियस तो फिक्स है, h वेरिएबल है, h हमने लिया है, कितनी हाइट लिया है वो हमने लिया है. तो h अगर जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू बढ़ेगी h बढ़ने से तो g डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. यानी विद इंक्रीज इन h value of g decreases. यानी हम लिख सकते हैं कि with increase in height, the value of g decreases. The value of g decreases with increase of height. जैसे जैसे height बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, g की वैल्यू कम होती जाएगी. तो अगर ऊपर में हम जाएं तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे g की वैल्यू कम होती जाएगी. कम होते 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 एक समय ऐसा आता है
जब जी की वैल्यू नेगलिजिबल हो जाती है, वहां जी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तब हम उसको कहते हैं कि हम कहां आ गए, फ्री स्पेस में। और फ्री स्पेस में जाने के बाद जी की जैसे स्पेस में लोग जाते हैं, वहां जी की वैल्यू नहीं होती, और जी की वैल्यू नहीं होने से वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी, और जी अगर जीरो होगा तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इसे कहते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता, यानी कोई वेट नहीं होता। इसलिए स्पेस में जो लोग जाते हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां स्पेस में आपको स्पेसशिप में कैसे रहना है, क्योंकि वहां किसी भी चीज का कोई वेट नहीं होता। आप खाने के लिए रोटी लोगे, हवा में उड़ती रहेगी, ठीक है, आप खुद ही उड़ते रहोगे, रोटी की क्या औकात है, आप खुद ही उड़ते रहोगे तो खाओगे कैसे। इसलिए सब लोगों के बेल्ट लगे होते हैं प्रॉपर, जो लोग स्पेस में जाते हैं, ताकि स्पेस में वो बंधे रहे और जो भी काम करते हैं उसी तरह से उड़ के। और प्रैक्टिस यहाँ पे वर्चुअल स्पेस क्रिएट की जाती है, उसमें उनको महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ऊपर जाकर के काम करते हैं। तो जी जीरो हो जाता है जहाँ पे, और जहाँ पे जी लगभग जीरो हो जाता है, उस जगह पे उस पेरिफेरी को, उस रेडियस को, उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जहाँ जिसके आउटसाइड में जी की वैल्यू जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। हम जहाँ तक जी की वैल्यू एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पर आगे चर्चा होगी ग्रेविटेशनल फील्ड पे, लेकिन अब ये न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल के आधार पर देखते हैं कि और आगे क्या कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर वन, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gravity will becomes half of the value of g at earth surface, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, यानी g dash कितना होना चाहिए, become half of the value of g। Here g dash is equal to half of g, ये है। और इसका मतलब क्या हुआ, g dash by g is equal to क्या हो गया, half। और अभी हमने किया था, we know g dash by g is equal to r square upon r plus h का whole square, बताया था ना, most authentic formula है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो एक formula derive किया था, कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था आखिरी में, कि g डैश इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 2h बाय r। इसको क्यों नहीं लगा रहे, इसको इसलिए नहीं लगा रहे, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि यहां पे हाइट कोई छोटी मोटी नहीं है, हाइट बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि g की वैल्यू सीधा आधा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में h कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे इसे इग्नोर किया जा सके। जब हमने डेरिवेशन किया था तब हमने ये बताया था कि h को इग्नोर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, when h is very small and is compared to r it is very small। तो यहाँ पे h की वैल्यू इतनी छोटी नहीं आएगी कि आप इसे इग्नोर कर दें, अभी करके देखते हैं। इसलिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे g dash by g के बदले क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 by 2 is equal to r square upon r plus h का whole square। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, इधर से square हटा दे दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, 1 by root 2 नहीं r upon r plus h। अब इसको उल्टा लिख दिया जाए तो क्या होगा, r plus h upon r, ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा root 2। इसका मतलब आ गया r by r plus h by r, अलग अलग लिख सकते हैं है ना, is equal to root 2। इसका मतलब हो गया 1 plus h by r is equal to root 2 और h by r is equal to root 2 minus 1 and therefore h is equal to root 2 minus 1 into r। r क्या है, radius of earth and therefore ये root 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस वन, और रेडियस ऑफ अर्थ लगभग होता है 6400 किलोमीटर
6400 किलोमीटर, ठीक है, तो हम इसको किलोमीटर में लिख दिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0.414 × 6400, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2986 अप्रोक्स आ जाएगा, ये लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास आएगा, 2986 किलोमीटर अप्रोक्स आई थिंक सो, जो भी आएगा इट इज अप्रोक्स, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी लगभग 2986 किलोमीटर ऊपर जा करके जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जितनी वैल्यू होगी उसका आधा हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पर जितनी वैल्यू होगी उसका आधा हो जाएगा, तो 2986 6400 के मुकाबले लगभग आधी है, इसको इग्नोर करने लायक नहीं है, इसलिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा और ये लगाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना न्यायोचित नहीं है, इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल बिकॉज एज इज नॉट एज मच एज स्मॉल एज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर नेग्लेक्टिंग एच बाई आर। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए बॉडी वे 72 न्यूटन एट अर्थ, ठीक है, 72 kg मान लीजिए, ठीक है, हिसाब से अर्थ पे हम जो भी चीजें वेट करते हैं करते, तो 72 kg इसका वेट है तो एक्चुअली मास, बट हम वेट करते हैं और जी की वैल्यू इस पे लगती है, यूनिट हम मास केजी लिख देते हैं, 72 kg मान लो मेरा ही वेट है, ए बॉडी वे 72 न्यूटन एट अ सरफेस, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेट अबाउट द अर्थ सरफेस वेयर हाइट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में H = R/2 दिया हुआ है और आपने यही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वी नो क्या क्या जानते हैं कि G' = G = कितना होगा, G' / G = R² / R + H² अब इसमें हम रख देते हैं G' = R² और यहाँ R plus H के बदले क्या लिख दूं R/2² दैट इज R² / 3R/2² यानी ये हो गया R² / 9R² / 4 यानी 4/9 तो G' = क्या हो जाएगा, अब हमें बताना होगा कि वेट कितना होगा, तो वेट ऑन अर्थ इज W दैट इज mg, वेट और हाइट h, वेट ऑफ बॉडी एट हाइट h, हाइट h mg dash, जहां g dash वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये यहां पे लिख देता हूं H W dash = mg dash। नाउ W is equal to given, how much given, 72 newton, and we have to calculate W dash, so W dash upon W is what, nothing else but mg dash upon mg, m से m कट गया, g dash upon g, और g dash upon g यहां कितना कैलकुलेट कर लिया 4/9, so W dash is equal to क्या होगा बताइए, W dash कितना आएगा, W dash यहां पे 4/9 है, 4/9 of W, और हमारा W कितना है, W है कितना 4/9 × 72 newton, 9 8 = 72 and 8 4 = 32 newton, यानी उस आदमी का वेट, उस बॉडी का वेट कहाँ कितना रह जाएगा 32 newton, जहां पे हाइट उतनी होगी जो अर्थ के रेडियस का हाफ होगा, तो वहां पे उसकी हाइट 32 newton रह जाएगी,
तो इस तरीके से छोटे छोटे और मुश्किल न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। अभी ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया कि कैसे जी की वैल्यू वेरी करती है विद द हाई, और इस पे एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल किया, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू परवेज।